मावी फॉर पीएम। मावी सुन, मैं स्ट्रीम पे हूँ और लोग बोल रहे हैं मावी को कॉल करके पूछो कि पबजी के बैन के बारे में आपका क्या कहना है। अच्छा है ना, तू कास्टिंग करने नहीं जाएगा, वापस घर पे रहेगा। और तुम लोग कभी फर्स्ट नहीं आ पाओगे। भाई देख, तू तो है पढ़ा लिखा, तेरे को तो जॉब मिलेगी, हम है जॉबलेस बंदे। और ये बता, जिन लोगों ने लाइक लोग मेरे से पूछे कि जिन लोगों ने M4 ग्लेशियर खोल लिया उनका क्या होगा। नहीं, उनके पास पैसा बहुत है। गाइस तुमने सुन लिया है, मावी ने बोल दिया है। तो तू कनाडा जा रहा है फिर? हाँ ब्रो, कनाडा ओनली। गाइस मावी कनाडा जा रहा है। मैक्सटन ने बोल दिया कि मैक्सटन दूसरी गेम पर जाएगा, मावी कनाडा में जाएगा। और अब स्काउट से ये पूछना, लोग बोल रहे हैं, बट तेरे अकॉर्डिंग अब पबजी के बैन का मतलब मैं ये पूछना चाहूंगा कि पबजी के बैन का वैसे ई स्पोर्ट्स पर क्या सीन पड़ेगा एज सच? खत्म। वन वर्ड आंसर सीधा। सही है गाइस, मावी ने अपने विचार दे दिए। और कुछ अगर आप लोग पूछना चाहो मावी से तो पूछ सकते हो, कोई डिले तो है नहीं। कनेडा ओपी, पीपल वांट कनेडा। मावी कनेडा, मावी कनेडा इससे जा रहा ताकि वहां पबजी खेल सके। वाह। अच्छा, कोई नहीं, करते हैं कोशिश। वाह वाह वाह, लोग बोल रहे हैं मावी कनेडा इसलिए जा रहा है ताकि वो वहां जाकर के पबजी खेल सके। हाँ कोई नहीं, चल मैं करता हूँ तेरे से बात। मेरे को बहुत खराब लग रहा है, मेरी सैलरी भी अभी मतलब ढंग से आई नहीं थी। सैलरी जीतने वाली भी नहीं। अरे जीतने वाले पैसे तो पड़े हैं अभी, कोई नहीं, मैं सर्वाइव कर लूंगा, 6 महीने इंडिया में सर्वाइव कर लूंगा अभी। गाइस तुमने सुन लिया, सैलरी भी नहीं आ रही यहाँ पर प्लेयर्स की, अब क्या कर सकते हैं। मावी ने बोल दिया सैलरी भी। यार मावी, हम लोगों का प्लान था चंडीगढ़ जाके शॉपिंग करेंगे जब सैलरी आएगी, वो भी नहीं हो पाएगा यार। कोई नहीं, चल मैं करता हूँ तेरे से बात। तू पबजी खेलने जा रहा है? चल ओके ओके, चलो गाइस। क्या हम 50,000 की वॉचिंग लेकर आ सकते हैं? 50,000 की वॉचिंग गाइस, एज सच कभी इतनी वॉचिंग आई नहीं है मेरी। 50,000 की वॉचिंग क्या हम लोग लेकर आ सकते हैं? वंस वंस कैन वेट 50,000 वॉचिंग, आई एम कॉलिंग स्काउट। इफ दैट हैपेंस दैट विल बी अमेजिंग फॉर मी। आई थिंक द फोन्स बीएनडी। हेलो स्काउट, स्काउट स्काउट सुनना, फ्री है? हेलो सुन, मैं स्ट्रीम पे हूँ और पबजी बैन हुई है तो लोग पूछ रहे हैं कि आपका क्या विचार है। तो मैं देखो स्पीकर पर डाल रहा हूँ, लोग जानना चाहते हैं कि स्काउट के क्या विचार हैं पबजी के बैन होने पर, बेसिकली ई स्पोर्ट्स का सीन का क्या चीज होगी। ठीक है बोल, बताओ बताओ लाइक। हाँ आई एम लाइव विद यू। पीपल आर आस्किंग कि ई स्पोर्ट्स का सीन क्या होगा अकॉर्डिंग टू स्काउट। हम मानते हैं कि पबजी का बूम एक बहुत बड़ा बूम था, लेकिन उसके बाद जो चीज हुई है, जो अप्स एंड डाउन आए हैं, उसके अंदर एक ही चीज बनकर आती है कि हमारे पास, इंडिया के पास इतनी ज्यादा वो है कि हम अगर कोई और ई स्पोर्ट्स गेम में भी जाते हैं, हम उस गेम को और ऊपर लेकर जा सकते हैं। वी नो दिस, इफ देयर इज अनदर गेम दैट वी आर गोइंग फॉर,
लाइक मैं मानता हूँ स्काउट साउंड थोड़ी क्लियर नहीं थी, बट इफ देर इज अनदर गेम दैट वी आर गोइंग फॉर, वी कैन एक्चुअली टेक दैट गेम टू अ न्यू लेवल, टू द न्यू हाइट्स. दैट्स व्हाट स्काउट एक्चुअली सेड. That's what Scout's perspective was regarding the ban and everything. That's what he said कि अगर हमारे पास कोई गेम आती है हम उस गेम को जितना ऊपर लेकर जाना चाहें हम लेकर जा सकते हैं. ऑडियंस पर भरोसा है उसको, और अगर ऑडियंस पर भरोसा है तो ऑब्वियसली इट्स गोना बी अ गुड थिंग, इट्स गोना बी अ वेरी वेरी गुड थिंग. सो या इट्स दिस वॉट स्काउट हैज सेड. एंड बाय द वे आई एम ट्राइंग टू कॉल नमन, अगर नमन उठाता है विल आस्क हिम एज वेल, बट आई डोंट थिंक सो कि वो अभी उठाने वाला है. तो yeah, once again guys, by the way if you guys are new out here, by the way we are pretty much close to 450k. if you guys are new out here we are pretty much close to 450k. agar aap log naye aaye ho like kar sakte ho, share kar sakte ho, subscribe kar sakte ho. 50,000 log dekh rahe hain mujhe, 50,000 log. agar aap log naye aaye ho ek baar mein button upar ja sakta hai, and I know this, I have that much faith in you. and notification bell bhi aap log press kar sakte ho. once again let me tell you the news of what actually happened with PUBG mobile ban. Let's see the news, right? Let's see the news. Octrail, hey, what's up? Let's see the news. So, PUBG Mobile, among with 118 additional Chinese apps, was banned by the government. PUBG Mobile has been banned under Section 69A of the Information and Technology. PUBG ban karne pe sab end Modi kyun kar rahe hain reason? Right, that's true actually. 69A of Information Technology Act. And by the way, yeah, that's my Billy. That's just, you know, doing all the noises and all. Just sorry. So this is what they said, and this is what it is on the grounds of they are engaged in activities which is prejudicial to sovereignty and integrity of India, defense of India and security of state and public order. So ye unhone dala hai, this is the reason according to them for PUBG getting banned, right? This is the reason. See, so many people are watching me. I would like to ask you to do one thing. This is my Twitter account.